बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, सही। सो इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत प्लांट का स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा गौर करेंगे। मसलन प्लांट के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो विद इन द ग्राउंड्स होते हैं, कुछ आउट ऑफ द ग्राउंड्स हैं, सही। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सॉइल, सॉइल सरफेस है। सो ये जो बीच में नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हम रूट्स कहते हैं, ऊपर सारा पार्ट जो है ये शूट कहलाता है। शूट यानी ये टिपिकल मैं वो प्लांट्स बना रहा हूँ जो ग्राउंड पे होते हैं, यानी जो हम अपनी जमीन पे इर्द गिर्द देखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो पानी में होते हैं, कुछ इस तरह सहरा में होते हैं। सो हर डिफरेंट प्लांट्स और हर एक की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सो इस तरह। और इनके अंदर फिर ब्रांचेज होती हैं और ब्रांचेज के ऊपर लीफ लगे होते हैं, सही है। लीफ का कलर ग्रीन होता है, सो इस तरह बना लीफ होंगे इस तरह। सो इसमें रूट्स का क्या काम होता है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स, के रूट्स नीचे से पानी जजब करती है, लाइक H2O जो है वो नीचे से आएगा, H2O रूट्स जजब करने के बाद ऊपर ट्रैवल करता है, सो क्योंकि हमने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ना है। ऑस्मो रेगुलेशन हम किसे कहते हैं भला? ऑस्मो रेगुलेशन पहले पढ़ चुके हम के रेगुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है, कि वाटर की बैलेंसिंग जो है बैलेंसिंग ऑफ वाटर। सो ये हमने जनरल एक प्लांट का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें ये लीव्स हैं और नीचे रूट्स हैं, रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और ऐसा सा ऊपर ट्रैवल कर रहा है और फिर ये लीव्स की सरफेस से एवेपोरेट होता है, ठीक है। एवेपोरेशन होती है इसकी लीव्स की सरफेस से, ठीक है, एवेपोरेशन होती है, इसे हम ट्रांसपारेशन भी कहते हैं, एंड सो ऑन। सो और लीफ को अगर हम मजीद बनाएं, अगर लीफ किस तरह ये एवेपोरेट करते हैं कि लीफ की अगर डबल लेयर होती है, ठीक है, यानी लीफ की जनरली दो लेयर्स होती हैं, एक अपर एपिडर्मिस होती है, इसे हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस, यानी ये सारे पार्ट्स आपने 9th-10th में पढ़े होंगे, ठीक है। इसी तरह एक लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, और फिर बीच में मेसोफिल सेल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, एंड सो ऑन। सो इनके एपिडर्मिस के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कह लें कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, मैं यहाँ पे रब करके बना देता हूँ, इनके अंदर कुछ जिन्हें जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। देर आर सर्टन पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं और उसे स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोमेटा का जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो लॉस हो रहा है, वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो तो रूट्स कर रही है, ठीक है, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन जो वाटर के ऊपर जाके लॉस होगा वो मेन स्टोमेटा के जरिए होगा, ठीक। यानी जनरल प्लांट बॉडी में जिसमें हमने कहा जी रूट्स होते हैं, शूट्स होती हैं, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और जाहिर बात है शूट्स में से वाटर एवेपोरेट होगा, और एवेपोरेशन मेनली कहाँ से होगी? स्टोमेटा से। अब हम स्टोमेटा के लिए एक और डायग्राम स्टडी कर लेते हैं। मसलन ये लीफ का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, लीफ सेक्शन फिर बनाया गया है, ठीक है, इसलिए डायग्राम थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। सो इसके अंदर लीफ सेक्शन है, ये वाटर आएगा इन जाइलम और फ्लोएम के जरिए, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये टिश्यूज आपको याद होने चाहिए, जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते थे भला? ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते थे ये, फ्लोएम, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक, फ्लोएम। सो जाइलम मोस्टली वाटर को लेके आएगा, वाटर आएगा और एवेपोरेट होगा, इट कैन अपर सरफेस से भी हो सकता है, लोअर सरफेस में भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये अपर एपिडर्मिस, जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है, ठीक है, इसे हम अपर कहेंगे, अपर क्योंकि ऊपर मौजूद। इस तरह ये लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के ऊपर कुछ ऐसे सुराख होते हैं, ठीक है, जो जिसके इर्द गिर्द स्पेशल सेल्स होते हैं, इन्हें फिर हम गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया होगा 9th-10th के अंदर, जस्ट रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो गार्ड सेल्स होते हैं जिनमें से वाटर लॉस हो रहा होता है, बेसिकली जो वाटर की एवेपोरेशन हो रही है या जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है, जो इसके एग्जैक्ट वर्डिंग है उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, एस्केप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक। सो ये ट्रांसपायरेशन, इसकी वजह से वाटर लॉस हो रहा है। ये कौन सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं? ये वो प्लांट्स हैं जो अर्थ के ऊपर होते हैं, ठीक है, यानी जमीन के ऊपर होते हैं। बहुत से प्लांट्स ऐसे जो पानी के अंदर होंगे, से चले। अब हम बारी बारी पढ़ते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्लांट्स के ऊपर ये हम चीजें अप्लाई करते हैं, ठीक। मतलब सबसे पहले आपको ये नजर आ रहे हैं जिसके अंदर देखें आपको पानी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, सही, यानी ये जो पत्ते से पड़े हुए हैं पानी के ऊपर, ठीक है, इन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। इन दोनों को मैं अलग करके लिख रहा हूँ क्योंकि हाइड्रो मीन क्या होता है भला? वाटर, हाइड्रो मीन वाटर,
और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स. सो दीज आर वाटर प्लांट्स, ये वाटर के अंदर मौजूद होते हैं. सो आप इसमें फिगर्स में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोफाइट्स आपको क्लियर नजर आ रहे हैं. सो इसके अंदर क्या क्या आपको मेन चीजें नजर आएंगी, सबसे पहले तो इनके पत्ते बड़े अजीब से लंबे लंबे बड़े पत्ते हैं, सही है. दे हैव लार्ज लीव्स, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, दे हैव लार्ज लीव्स, ठीक है, लीव्स की ये दे हैव लार्ज लीव्स और लार्ज सरफेस एरिया भी है इनका, ठीक है, यानी फैले हुए हैं, लार्ज लीव्स हैं. इसके अलावा इसके अंदर इसकी जो अपर एपिडर्मिस होगी ना, यानी इस प्लांट की जो अपर एपिडर्मिस होगी, मैं बनाऊंगा ये लाइक दिस, ये इसके अपर एपिडर्मिस बना रहा हूँ. एपिडर्मिस में आपको पता होना चाहिए एपिडर्मल सेल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे सेल्स होंगे जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा और वैक्यूल्स वगैरह जो भी प्लांट स्ट्रक्चर. अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में ये फर्क होगा कि लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा कम होंगे, ठीक है, ऊपर स्टोमेटा ज्यादा होंगे, यानी ऊपर वाले सरफेस के ऊपर से वाटर लॉस ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है. यानी ये कौन सी एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है. तो ऊपर वाले पार्ट से वाटर लॉस ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रमोट करना है, ठीक है, दे हैव टू प्रमोट वाटर लॉस. और वाटर लॉस की शक्ल में हो रहा होता, अभी हमने ऊपर बात की ट्रांसपायरेशन की शक्ल में. सो दे हैव टू प्रमोट ट्रांसपायरेशन, क्योंकि वो पानी के इर्द गिर्द रहते हैं तो पानी इनके अंदर बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, ठीक है. पानी को रिमूव करने के लिए फिर इन्हें, यानी ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस के ऊपर बहुत ज्यादा स्टोमेटा रखने पड़ते हैं, अगर इस वाले केस में देखें हम. सो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है अपर एपिडर्मिस, सो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टोमेटास मौजूद होंगे ताकि वाटर लॉस या ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम होते रहे, ठीक, यानी वाटर लॉस को यानी इंक्रीज करने के लिए. इसके अलावा दे हैव लार्ज लीव्स हो गए, इसके अलावा इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लार्ज लीव्स के साथ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया से क्या होगा, जारी बात, जब सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एवेपोरेशन बढ़ती है, ठीक है, ये भी अगेन ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करता है, सही. सो हमने इसमें क्या क्या देख लिया कि इनकी कोशिश होती है कि ज्यादा ज्यादा पानी को रिमूव किया जाए, जिसलिए जिसकी वजह से इनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और इनके पत्तों के ऊपर वाले हिस्से में जो अपर एपिडर्मिस होती है इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टोमेटास होते हैं, स्टोमेटास की ज्यादा तादाद होती है जिसकी वजह से ज्यादा ट्रांसपिरेशन पॉसिबल होती है. तो ये तो थे हाइड्रोफाइट्स, दिस आर एग्जाम्पल अबाउट हाइड्रोफाइट्स. अब हम सेकेंड टाइप्स पे आते हैं जिसे हम मीजोफाइट्स कहेंगे. ये वो मीजोफाइट्स हैं जिनको हम नॉर्मली अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो होते हैं, यानी जिनकी जड़ें होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल वगैरह. मसलन अब ये इसकी एग्जांपल में हम रोज की बात करते हैं, ठीक. तो रोज का ये प्लांट आपको नजर आ रहा है. सो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो सबसे पहले तो इनमें आपको नजर आ रहे होंगे लाइक छोटे छोटे पत्ते होते हैं, स्मॉल लीव्स, स्मॉल लीव्स, क्योंकि इन्होंने ड्राई कंडीशन में रहना होता है. ड्राई से मुराद के इनके इर्द गिर्द पानी नहीं है, सो दे हैव टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है. स्मॉल लीव्स क्यों होंगे, ताकि ये लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज कर सके, मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर, ठीक. इसके अलावा इसके अंदर आपको नजर आएगा बड़ी बड़ी कह लें कि वो हैं स्टेम्स हैं, ताकि वो पत्ते खड़े रहें या फूल इसके ऊपर मौजूद रहें. इनकी रूट्स होंगी वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, सही. और इसके अलावा जो इसकी लोअर एपिडर्मिस होगी, इस केस के अंदर अपर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा कम होंगे, यानी अपर एपिडर्मिस विल कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा. ये अपर वाली एपिडर्मिस में बना रहा हूँ. इससे जो पत्ते के नीचे वाले जो एपिडर्मिस होगी, जो निचला वाला हिस्सा होगा, इसके अंदर स्टोमेटा ज्यादा होंगे, ठीक है. मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रेव एक यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है. सो इस तरह दो स्टोमेटा यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, एक ये स्टोमेटा हो जाएगा, एक ये स्टोमेटा हो जाएगा. सो ऊपर वाले एपिडर्मिस में लेस स्टोमेटास हो जाएंगे और नीचे वाले के अंदर ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एस्केप ऑफ वाटर कम हो जाता है, ठीक. क्यों, एक और वजह के ऊपर एपिडर्मिस हो तो ज्यादा लॉस हो रहा है, नीचे में अगर स्टोमेटा ज्यादा हो तो लॉस कम हो रहा है. इसकी क्या वजह होती है, क्योंकि जो सन होता है, ठीक है, यानी सनलाइट जो सी है वो स्ट्रेट आके इसके ऊपर पड़ेगी. मतलब अगर मैं यहाँ पे रेज बनाऊ, सो ये इस तरह सनलाइट आके पड़ेगी. सो जो इसके रिजल्ट के अंदर जो वाटर लॉस है वो ज्यादा होगा, H2O ज्यादा रिलीज होगा, सही. सिमिलरली अगर इस केस में देखें तो सनलाइट ऊपर से आके पड़ेगी, ठीक, लेकिन इस टाइम वाटर लॉस को मिनिमाइज कर देगा, यानी जो ऊपर वाले केस में वाटर लॉस हो रहा था वो इस केस में नहीं होगा, ठीक है. तो यानी सनलाइट से वाटर लॉस यानी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने मिनिमाइज करना लॉस ऑफ वाटर को.
इसके अलावा और ये भी पता होगा आपको कि रात को स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा सेकंड पार्ट आप में भी सुना हो कि रात के टाइम स्टोमेटा जो से हैं वो स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। यानी डे लाइट के अंदर स्टोमेटा ओपन रहते हैं और रात के टाइम स्टोमेटा यानी क्लोज हो जाते हैं। ये भी इनकी खास अडाप्टेशन हैं, ठीक है। इन्होंने इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए ये अडाप्टेशन बनाई हुई हैं कि इन्होंने स्टोमेटा दिन के टाइम ओपन रखना है और रात को क्लोज कर देना है, सही। सो और भी काफी प्रॉपर्टीज हैं मेसोफाइट्स की, लाइक मेसोफाइट फ्रूट्स बनाते हैं, मेसोफाइट्स के आपको फ्लावर भी बहुत ज्यादा नजर आएंगे, सही। वो भी लेकिन हमने यहाँ पे वाटर रेगुलेशन के हवाले से पढ़ना है, तो उसमें स्टोमेटा में हमने डिस्कस किया कि एक तो इनके लीव्स छोटे होंगे, ठीक है, स्मॉलर इन साइज, और स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर ज्यादा होंगे। अब हम तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, प्लांट्स की तीसरी कैटेगरी जिसे हम ज़ेरोफाइट्स कहेंगे। ज़ेरोफाइट, ज़ेरो जो है वो डेजर्ट के लिए यूज किया जाता है, यानी विदाउट वाटर, ज़ेरो मीन विदाउट वाटर। यहाँ पे वाटर की बहुत कमी हो जाएगी फाइट्स प्लांट्स, सो विदाउट वाटर प्लांट्स से मुराद इसे हम क्या कह सकते हैं, डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट्स। सो ये डेजर्ट में मौजूद होते हैं जिसकी आपको यहाँ पे फिगर भी नजर आ रही है, सही। इस केस के अंदर आप देखें तो ये ना ज्यादा इतने ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है, और अगर इनके पत्तों पे थोड़ा जोर आप गौर करें तो ये आपको बहुत मोटे मोटे नजर आएंगे, ठीक है, जैसे बहुत हैवी और बहुत मोटे होते हैं, सही। इसके ऊपर हम क्या क्या अगर हम वैसे सोचें तो इन्होंने सबसे पहले जाहिर बात है अपना लॉस ऑफ वाटर मिनिमाइज करना है, दे हैव टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में तो सालों बारिश नहीं होती है, नहीं यहाँ पे बारिशों का या पानी का बहुत मसला होगा, तो इन्होंने दे हैव टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, उन्हें अपने पानी के जो ज़िया है उससे बचना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनके थिक लीव्स आ जाएंगे जो आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ठीक है। थिक लीव्स क्या करेंगे, ये स्टोर कर लेंगे, ठीक है, इट दे हैव टू स्टोर वाटर, ये अपने अंदर स्टोर कर लेंगे वाटर। और अब फिर कहा जाए कि लीव्स से तो फोटोसिंथेसिस होती है, यानी अब पत्ते से काम नहीं करेंगे तो खुराक किधर से बनेगी, उसके लिए फिर ये होता है कि इनकी जो स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स हैव या कह लेंगे स्टेम्स हैव एबिलिटी, ठीक है, क्योंकि इनकी स्टेम्स भी ग्रीन होती है ना, एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, ठीक है। यानी जो प्लांट लीव्स का काम होता है वो किसके पास चला गया है, स्टेम्स के पास, ओके। इसके अलावा जो स्टोमेटा होंगे इसके अंदर, थर्ड वन जो स्टोमेटा है, सो दे विल बी इन लेसर इन नंबर, के स्टोमेटा की तादाद कम होगी सबसे पहले, स्टोमेटा, सो इनकी क्वांटिटी कम होगी, लोअर साइड पे होगी, लोअर साइड ऑफ लीफ, लीफ के नीचे वाली एपिडर्मिस पे होगी, और लेस इन नंबर्स होंगे, जाहिर बात है हमने बात की लेस इन नंबर्स, और यूजली जो ये डिप्रेशन में होंगे, मसलन अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करूँ, सो ये अपर एपिडर्मिस से फिर ये डिप्रेस होती है एक जगह पे, ठीक है, और फिर ये किस तरह डिप्रेशन से बनती है, इस डिप्रेशन की जगह पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है, कि लाइक इधर स्टोमेटा मौजूद होगा। सो वही है कि डिप्रेशन में क्यों होते हैं, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, डिप्रेशन के अंदर स्टोमेटा है, सो यानी डायरेक्ट फ्रंट पे स्टोमेटा नहीं लाई करते, और सॉरी इसमें एक और चीज़ मैं मिस कर गया कि ये लोअर एपिडर्मिस में होंगे, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में होंगे और डिप्रेशन की शक्ल में होंगे, यानी अब ये डिप्रेशन ऊपर की जानी होगा, अगर मैं सारा दोबारा ड्रा करूँ, सो लोअर एपिडर्मिस लीफ की, और डिप्रेशन तो बनाया ही नहीं मैंने, सो यहाँ पे डिप्रेशन होगा, लाइक दिस डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन की जगह पे स्टोमेटा मौजूद होंगे, सही। सो ये अगेन डिप्रेशन में क्यों मौजूद है स्टोमेटा, टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर, कि वाटर के लॉस को ज़्यादा मिनिमाइज किया जाए, और इसके लिए उनके एक तो थिक लीव्स थे जिसके अंदर वाटर स्टोर हो सकता था, वाटर बीच में स्टोर हो सकता है, और इनकी जो लेयर थी ऊपर, एक चीज़ होती है क्यूटिकल के नाम से, आपने मैं भी पढ़ा हो कहीं कि एक स्मॉल वैक्सी थिन लेयर होती है ऊपर वाली सरफेस के ऊपर जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। इनके लीव्स के अंदर जो क्यूटिकल की लेयर होती है ना, ये भी बहुत डेंस होती है, क्यूटिकल लिपिड्स का, लिपिड्स से बनी होती है मोस्टली, इज मेड अप ऑफ लिपिड्स,
लिपिड्स की जो क्यूटिकल की लेयर है ये भी मोटी तय होती है और ये भी लॉस ऑफ वाटर से बचाती है, ठीक। यानी अगर आप पत्ता तोड़ेंगे ना कभी, सो पत्ते की जो ऊपर वाली सरफेस है वो आपको शाइनी नजर आएगी। उसकी वजह क्या होती है कि उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक। तो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर ये क्यूटिकल की लेयर भी काफी डेंस होती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज किया जाता है, ठीक। इसके अलावा इनके लोअर साइड पे स्टोमेटा होंगे और लेसर इन नंबर होंगे और लोकेटेड इन डिप्रेशन के, जो डिप्रेशन से बने होंगे उसके अंदर ये लोकेट करेंगे, से जिसकी वजह से इनके वो ये गेन है कि इन्हें लॉस ऑफ वाटर से बचना होता है, से। इसके अलावा एक और डायग्राम इसमें आपको सारा नजर आ रहा होगा, लाइक ये सन है, ठीक है, जिसकी वेव्स आ रही हैं जिन्होंने ट्रांसपरेशन को इंक्रीज करना है, सही। किस तरह बचेंगे, एक तो स्मॉल सरफेस एरिया है, ठीक है, मिनिमाइज द वेपोरेशन। दूसरा, लीव्स की जगह पे मोस्टली स्पाइंस होती हैं। अच्छा, हमने लीव्स की बात की, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीव्स शेड भी करते हैं, ठीक है, दे हैव एबिलिटी। ओके, फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करें, दे कैन शेड लीव्स, शेडिंग ऑफ लीव्स कह सकते हो, कि ज्यादा गर्मियां हो तो वो लीव्स को गिरा देते हैं, ठीक है, वो लीव्स अपने गिरा देते हैं, शेडिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, ताकि वो वाटर के लॉस से बच सकें। और दूसरा, इसकी स्टेम के अंदर वाटर स्टोर हो सकता है, इसके लीव्स के अंदर वाटर स्टोर हो सकता है, और नीचे जो रूट्स होते हैं वो भी बड़ी बड़ी होती हैं, सही, ताकि उनका जो कह लें कि इनपुट है वाटर के, इनपुट वो ज्यादा ज्यादा हो सके। सो इस तरह भी डेजर्ट प्लांट अपने आप को सर्वाइव करते हैं। इसका पांचवा पॉइंट भी आप देख सकते हैं, नहीं, इसमें पांचवा पॉइंट क्या बनेगा, दैट स्टेम कैन स्टोर वाटर, स्टेम कैन स्टोर वाटर। सो इनके अंदर स्टोरिंग, यानी इन्होंने पानी को स्टोर रखना है और इसके लॉस से बचना है, उसके लिए इनके अंदर अडाप्टेशंस हैं। सो अब हम रिवाइज कर लेते हैं, जितना हमने ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स पढ़ा। सो स्टार्ट हमने कहाँ से लिया था, हमने बात की थी जनरल प्लांट स्ट्रक्चर से, हमने कहा जी प्लांट स्ट्रक्चर के अंदर हमें रूट्स मिलती हैं एंड शूट्स मिलती हैं, ठीक। रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले पार्ट्स में पहुंचाती हैं और फिर वहां से जो लीव्स होंगे उसके जरिए, यानी ये लीव्स बनाए थे, लीव्स जो से हैं उनके जरिए ये एवेपरेशन होगी। और किस लीव्स के अंदर कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर जिसके जरिए एवेपरेशन हो रही थी, वो हमने स्टोमेटा का नाम दिया, कि लीव का अगर हम बीच में से काट कर देखेंगे तो हमें उसमें एक अपर एपिडर्मिस मिलेगी, एक लोअर एपिडर्मिस, जो ऊपर शाइनी सी चीज होती है, यानी उसे आप अपर एपिडर्मिस कह सकते हैं पत्ते के ऊपर वाले से, और जो नीचे रफ सा स्ट्रक्चर होता है उस लोअर एपिडर्मिस होती है। सो लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा यूजली हमें पाए जा मिलते हैं, जो हमें प्लांट से भी नजर आते हैं उनकी बात करें। इसके अलावा फिर हमने ट्रांसपरेशन पर थोड़ी बहस की, कि लाइक ये प्लांट है, फिर प्लांट का लीफ है जिसकी ये अपर एपिडर्मिस है और ये नीचे लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस के अंदर भी आपको स्टोमेटा नजर आ रहे हैं, अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा है, ठीक। यहाँ से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, जिसे ट्रांसपरेशन कहा है, ठीक है। ट्रांसपरेशन को किस तरह डिफाइन करते हैं, भला यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ, इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, यानी जो पौधे हैं ना, पौधों के जो फजाई हिस्से हैं, यानी जो फजा के अंदर होते हैं, जिस तरह शूट्स इसमें सारी आ जाती हैं, उसमें से जो वाटर का लॉस होगा उसे हम ट्रांसपरेशन कह देंगे, सही। इसके अंदर जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है, स्टोमेटा, यानी जो स्मॉल ओपनिंग है, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर मोस्टली होते हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप्स की प्लांट्स की, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स थे इसमें, एक हाइड्रोफाइट्स हो गए, हाइड्रोफाइट्स वो जो के पानी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन इक्वेटिक इन्वायरमेंट, जिसे हम इक्वेटिक इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, इक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते कह सकते हैं, ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट्स के अंदर पाए, सही। ये क्या करते थे कि इनके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता था, इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा ताकि लॉस ऑफ वाटर हो सके, फिर स्टोमेटा ऊपर वाले एपिडर्मिस के ऊपर ज्यादा होंगे ताकि अगेन लॉस ऑफ वाटर हो सके, वाटर की लॉस इन्होंने इंक्रीज करनी होती है, ठीक है, और सरफेस एरिया इनका ज्यादा होगा, लीव्स लार्ज होंगे। फिर मीजोफाइट से, मीजोफाइट जो कि आप कह लें कि जनरली हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं, ड्राई प्लांट्स कह सकते हैं आप इसे, ड्राई प्लांट्स, ड्राई इतने भी नहीं होते, नहीं, इनकी कह सकते हैं बारिशों की वजह से या इनके पानी होता है इनके मौजूद, लेकिन इन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत पानी को रिजर्व रखना पड़ता है इन्हें। इसके लिए फिर इनका क्या है कि स्मॉल लीव्स हो जाएंगे इनके, ठीक है, ताकि लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज किया जाए, और ऊपर वाली साइड पे कम स्टोमेटा होंगे एज कम्पेयर टू लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, अगेन। और दूसरा, स्टोमेटा का तो आपको पता है कि ये रात के टाइम बंद होते हैं, ठीक है, दिन के टाइम जब फोटोसेंसिस होती है उस टाइम ये ओपन रहते हैं। फिर हम थर्ड कैटेगरी पे आ गए, जीरोफाइट्स पे। जीरोफाइट्स वो थे जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, यानी विदाउट वाटर होते हैं मोस्टली,
यानी वहाँ अब सहरा में बारिशें बहुत कम होती हैं, इसकी वजह से इसके अंदर पानी की बहुत कमी होती है। तो फिर इनके लीव्स जो से हैं वो थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं, उनके अंदर पानी स्टोर होता है ताकि लॉस ऑफ वाटर या पानी की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से ये डेड ना हो जाए, ठीक है, इन्होंने अपना सर्वाइवल रखना होता है। सो ये डेजर्ट प्लांट्स हैं। फिर इनके अंदर थिक लीव्स की बात की, वाटर स्टोर करता है। स्टेम्स हैव एबिलिटी टू फोटोसेंसिस, ठीक है, क्योंकि लीव्स का काम होता है के फोटोसेंसिस करना। बाज प्लांट्स डेजर्ट कैसे, तो उनके पास लीव्स ही नहीं होती, ठीक है, या शेड कर देते हैं अपने लीव्स, तो उसके बजाय फिर स्टेम जो है फोटोसेंसिस करती है, सही। और स्टोमेटा होते हैं, ये लोअर साइड पे ज्यादातर होते हैं और लोअर साइड के बाद डिप्रेशन में मौजूद होते हैं, ठीक है, और कम तादाद में होता है ताकि लॉस इन वाटर कम से कम हो। और इसके अलावा चौथी एबिलिटी ये थी कि शेडिंग ऑफ लीव्स, के बहुत ज्यादा गर्मियां हो तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि अगेन लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो, रिजर्व हमारा यानी जो इनका वाटर रिजर्व है ये कम ना हो। और सर स्टेम कैन स्टोर वाटर, के बहुत ज्यादा ड्राउट कंडीशन आ जाए, बहुत ज्यादा यानी पानी की कमी आ जाए, तो स्टेम है वो पानी अपने अंदर स्टोर कर लेती है, सही। और फिर हमने ये डायग्राम भी स्टडी की कि इनके अंदर स्पाइंस नजर आते हैं मोस्टली, और ये रूट्स का बड़ा सिस्टम होगा, और दैट्स ऑल अबाउट। ये ऑस्मोरेगुलेशन हमने प्लांट्स में पढ़ लिया, ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स पढ़ेंगे।